दादी चले, आप लोग एक राउंड और कीजिए। बेटा तुम भी आज हमारे साथ योगा करो ना, आज अनुलोम विलोम पर फोकस है। कम ऑन दादी, आप कब अपनी इस पुरानी सोच से बाहर निकलोगी? अरे इसमें नए पुराने का क्या लेना देना है? अच्छा तो आपको सच में लगता है पेट से हवा अंदर और बाहर करने से हेल्थ ठीक हो सकती है? बेटा इसको जान लेने में कोई हर्ज है क्या? दादी प्लीज अपनी ये फालतू बातें अपने पास ही रखो, वैसे भी मुझे इस अनसाइंटिफिक चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? और क्या, अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक ही रखनी है तो जिम चलो ना, वहाँ ट्रेडमिल है, क्रॉस ट्रेनर है और भी बहुत सारी मॉडर्न मशीन्स हैं, यूज देम। लेकिन बेटा योगा में खैर छोड़ो, मैं घर जा रही हूँ, आज जिम करने की वजह से बहुत थक गई हूँ। आप आ जाना अपना एक लास्ट राउंड करा के। बाय। क्या यार दादी, आप सुबह सुबह पानी तक देती रहती हो। इसे सूरज को जल देना कहते हैं। करेक्ट, जल देना कहते हैं। फिर तो आप इसे ब्रेकफास्ट और लंच भी देती होगी। ये कोई मजाक की बात नहीं है। सही बोला, मजाक की बात नहीं है, अंधविश्वास की बात है। तू ना जज करने से पहले अपने रूट्स के बारे में कुछ जान क्यों नहीं लेती? अरे यार मुझे नहीं सुनना ये सब, करो जो भी करना है। ठीक है मत सुन, कम से कम ये मैदा खाना तो छोड़ दे, ये सीधे तेरे इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां चिपक जाएगा। आप ओल्डीज का ना यही प्रॉब्लम है, क्या पुराने 100 साल वाले मेथड्स पे अटके हो यार। अरे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? पता नहीं दादी, बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। कितनी बार समझाया तुझे कि सवेरे उठते ही एक ग्लास पानी पी लिया कर। ओह दादी अभी प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। शायद ना तेरे पेट में गैस बनी हो, मैं तेरे लिए अजवाइन और नमक का पानी लेके आती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। अरे दादी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, मुझे अभी ये बकवास नहीं सुननी, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो प्लीज। अच्छा चल ठीक है, तो आ जा चल। पीयूष तुम? अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसे हो बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेरी बैड फूड हैबिट्स की वजह से लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो गया था, बट आपकी दादी की फ्री योगा क्लासेस ने सब ठीक कर दिया। थैंक यू। इनके इस अंधविश्वास से आप ठीक कैसे हो गए? अंधविश्वास? आप हमारे इन वेद पुराणों और योगा टेक्निक्स को अंधविश्वास मानते हैं? हाँ। चलो मैं तुम्हें ना तुम्हारे साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाती हूँ। सवेरे मैं जो सूरज को जल चढ़ाती हूँ, सनरेज उसी वाटर को ना एक रेनबो बनाती है, और उस रेनबो का जो ग्रीन कलर होता है ना वो हमारे फोरहेड के बीचों बीच स्ट्राइक करता है, हमारे नर्व्स को एक्टिवेट करता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। सच में? और ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम टेक्निक है ना, इससे द ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन इंक्रीजेस एंड ऑल द ब्लॉकेजेस इन द बॉडीज आर रिमूव्ड। Again, a scientifically proven fact. Really, दादी? और हमारे मॉडर्न योगा टेक्निक्स तो बड़े बड़े बीमारियों का हल भी ढूंढ चुकी है, बस हम ही इसको करने से शर्माते हैं। सच में मुझे नहीं पता था हमारे कल्चर के पीछे साइंस इन्वॉल्व्ड है।
अरे जब वैस को ये तक नहीं पता था कि दुनिया गोल है, हमारे पुराणों में तो प्लैनेट्स की एग्जैक्ट पोजीशन को भी स्पेसिफाई किया था। मुझे हमेशा से यही लगता था कि ये सब बहुत अनसाइंटिफिक और आउटडेटेड से हैं। यही तो बात है, हम हर पुरानी चीज को आउटडेटेड या ऑब्सोलीट समझते हैं और हमारे वेद पुराणों को बिना पढ़े और बिना उन्हें जाने जज करने लगते हैं। अब आजकल की नई मॉडर्न टेक्निक सीखना गलत नहीं है, लेकिन नया सीखने के चक्कर में पुराना भूल जाना गलत है। I'm really sorry that. जरा सा मॉडर्न होने के चक्कर में मैं भूल ही गई मेरे रूट्स कहाँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, इतनी कम उम्र में तुमने हमारे योग, हमारे कल्चर की रिचनेस को समझा है, रियलाइज किया है। I'm so happy, you know? हाँ, और अब से मैं इसे अपने डेली रूटीन में भी अपनाऊंगी। Really? हाँ. I'm so proud about it.